हेलो आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कुछ पौधा दिखाएंगे, जो कि प्लांट दिखाएंगे हम आप लोगों को। वो प्लांट हम लोग डुमरियागंज से लाए थे अपने बाउंड्री में लगाने के लिए। तो चलते हैं, अभी उन प्लांटों को हम दिखा दें। जितने सभी प्लांट हैं हम आप लोगों को दिखा देंगे और बता देंगे कि प्लांट किस काम आते हैं और इनका नाम क्या है, ताकि आप लोग भी खरीद सकें अगर आप लोगों को लगाना हो अपने बाउंड्री में या थोड़ा अंदर। इंडोर और आउटडोर तो लगा सकते हैं आप लोग। तो चलते हैं हम उन प्लांटों को दिखाने। दोस्तों, ये है क्रोटन प्लांट, इसका नाम क्रोटन है। दोस्तों, ये यूफोरबियासी फैमिली में आता है और इसको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए। अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में आएगा तो खराब हो जाएगा। इसको छन के सनलाइट चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं चाहिए। और इस प्लांट की प्राइस है 150, 200 या 300, इतने तक में आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये दोस्तों दूसरा प्लांट है, इसको स्पाइडर प्लांट बोलते हैं और ये फैमिली एस्पैरागासिया में आता है। और ये प्लांट देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो जो ये फेंसिंग आप लोग देख रहे हैं, ये फेंसिंग हम और मेरे भाई अपने हाथों से किए हैं। जो फेंसिंग यहाँ से वहाँ आप लोग देख रहे हैं, इस पर हम लोग वाइट कलर का पेंट लगा दिए थे, ताकि ये देखने में और ब्यूटीफुल लगे। और बारिश के कारण ये पेंट छूट चुका है, फिर से हम लोग लगाएंगे। और आप देख सकते हैं फेंसिंग कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। अभी हम चलते हैं तीसरे प्लांट के पास, इसका नाम है स्नेक प्लांट। ये और दोस्तों, ये प्लांट जो है एयर को प्यूरीफाई करता है, ऐसा हम नहीं, ऐसा नासा बोलती है। और अगर आप ये बेडरूम में लगाते हैं, क्योंकि इंडोर प्लांट भी है, अगर आप इसे बेडरूम में लगाते हैं तो जो ऑक्सीजन रहेगा उसको इन्हेंस कर देगा और काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा बेडरूम में। और दोस्तों, ये जो प्लांट है इसका नाम है मधु कामनी। और ये आप अगर गार्डन में लगाएंगे तो आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ जाएगी। इसमें वाइट कलर के फूल निकलते हैं और महकते भी हैं। अभी इसमें फूल निकले नहीं हुए हैं, कुछ दिन बाद निकल जाएंगे, तब हम आप लोगों को दिखा देंगे। देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है। दोस्तों, जो ये प्लांट आप लोग देख रहे हैं, ये नॉर्मली फेंस के लिए लगाया जाता है, ताकि फेंसिंग हो जाए। अभी और बड़ा होगा तो एकदम शेप ले लेगा और फेंसिंग में आ जाएगा। और ये ऊपर देख सकते हैं अशोक का पेड़ है, ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है अगर बाउंड्री में आप लगाते हैं तो। अभी चलते हैं वहाँ पर वो प्लांट दिखाने आप लोगों को। दोस्तों, जो ये प्लांट आप लोग देख रहे हैं, और इसको हमने 10 रुपये में ख़रीदा था, और ये काफ़ी देखने में खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं जो इसमें फूल खिले हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं, मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगता है। कई बार मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये प्लांट मेरे घर पर भी है। और दोस्तों, ये है गुलाब का प्लांट, ये देख सकते हैं अभी इसमें गुलाब आए नहीं हैं, अगर गुलाब आ जाएंगे तो ये और खूबसूरत लगने लगेगा। और दोस्तों, इस प्लांट के पास हम पहुँच चुके हैं, इसका नाम चांदनी है और ये सदाबहार प्लांट है। और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखता है, और इसके फूल देख लीजिए यहाँ पर खिले हुए हैं। ये टूट चुके हैं मेरे हिसाब से फूल, लेकिन और फूल खिलेंगे अभी, लेकिन बहुत खूबसूरत दिखता है ये प्लांट। और मैं बता दूं फिर से, इसका नाम चांदनी है। और दोस्तों, इस प्लांट का नाम मोगरा है, ये भी स्मेल करता है जिस तरह से स्मेल मधु नाशनी या कामनी करती है, उसी तरीके से ये भी स्मेल करता है। और अभी ये छोटा है, कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा।